सर चूना कितना लगाना है? आजकल की दुनिया में सिर्फ पान वाला ही ऐसा ईमानदार आदमी है जो आपसे पूछ के चूना लगाता है, वरना सारी दुनिया तो आपको बिना पूछे चूना लगा जाती है। नो बता, दारू पी के आदमी सच बोलिया करे न? हाँ, क्यों के हो गया? ठीक से तो आज तू दारू पी, मने तेरे ताज गणे सवाल करने से। बेबी एक ग्लास पानी देना। अच्छा मैं क्या सोच रही थी कि तुम्हारे लिए राजमा चावल बना दूं। हाँ। और मीठे में गुलाब जामुन। हाँ। मुंह में पानी आया, पी लो। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो घी को गर्म करो। हर बात में उंगली करना अच्छी बात नहीं होती। ये एक एक दिन दो दो दिन छोड़ के रिप्लाई करने वाले लोग हैं ना, उनको बोलता हूँ मोबाइल रहने दो, कबूतर ले लो कबूतर। जिसने जल्दबाजी में शादी की, बाबा अबे पहले बोल तो लेने दे। जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया, बाबा। और जिसने सोच समझ कर की उसने कौन सा तीर मार लिया। सुनो, अगर मेरी लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगी? आधी रकम लूंगी और हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। 1,000 की लॉटरी लगी है आज, ये ले आधी रकम और निकल यहाँ से। अरे भाई मुदस्सर। हाँ। अरे भाई तू मुंबई से आ गया? नहीं, अभी रास्ते में चल रहा हूँ। अच्छा रास्ते में चल रहा है क्या? भाई आ जा तो मुझे बताना यार, मुझे मिलना है तेरे से यार। शाम को पार्टी में? नहीं आ रहा हूँ यार, मम्मी नहीं मान रहे। तो एक काम करना, डेटोल साबुन से नहा के मम्मी से बात करना। लेकिन क्यों? क्योंकि माँ माने डेटोल का धूला। अरे भैया भैया भैया, तुम्हारे लिए एक जबरदस्त गेम लेके आया हूँ जिससे तुम 100 रुपए जीत सकते हो। क्या बात कर रहे हो? हाँ भैया देखो, ये बॉटल है ना, इस बॉटल के नीचे से तुमको 100 रुपए निकालना है, वो भी बिना बॉटल को हाथ लगाए। भैया तुमने चिपका के रखा है नोट। अरे कैसी बात कर रहे हो भैया, ये देखो मिल गया नोट। हे व्हाट्स अप, मैं तेरे को हिंदी नहीं आती क्या? हिंदी में भी बात कर लिया अगर कभी। आप मुझे एक गर्म केंद्रीय बिंदु देने का कष्ट करेंगे? ये क्या है? बड़ा क्यूट बच्चा है, बड़े होके क्या करेगा? शादी? नहीं नहीं, मेरा मतलब है क्या बनोगे? दूल्हा। मेरा मतलब है बड़े होके क्या हासिल करोगे? दुल्हन। अरे बड़े होके अपनी मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? बहू लाऊंगा। अरे नालायक, तुम्हारे पापा तुमसे क्या चाहते हैं? पोता। हे भगवान, तेरी जिंदगी का क्या मकसद है? हम दो हमारे दो। भाई औरतों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भाई औरतों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब वो बहू बनती है तो उन्हें सास अच्छी नहीं मिलती, और जब वो सास बनती है तो उन्हें बहू अच्छी नहीं मिलती। हेलो हेलो भाई। हाँ भाई। कैसा है भाई? एकदम औसम ब्रो, अपना बताओ। एक तो काम था भाई। कर ले बाद में बात करते हैं, बाय। आपका तो हीमोग्लोबिन भी कम है, आप में तो आयरन की भी कमी है, आप में कैल्शियम की भी कमी है और विटामिन डी की भी कमी है आप में। बस डॉक्टर बस रहने दे, देख लिया मैंने तेरी रिपोर्ट और टेस्ट, इतनी कमी तो मेरे में मेरी सासू ने भी ना काटी। क्या नाम है तुम्हारा? एमपी सर। एमपी, पूरा नाम बताओ ना। मोहन पाल सर। अच्छा मोहन पाल, पिताजी का क्या नाम है? एमपी सर। नहीं पिताजी का क्या नाम है? मनमोहन पाल सर। अच्छा कहाँ से हो? एमपी सर। मध्य प्रदेश से? नहीं सर, मणिपाल से। अच्छा कितना पढ़े हो? एमपी सर। उसका क्या मतलब है भाई? मैट्रिक पास सर। क्यों करनी हुई है नौकरी? एमपी सर। एमपी मतलब? मनी प्रॉब्लम सर। दिल्ली? दिल्ली में कहाँ रहते हो? एमपी सर।
एमपी का महिपालपुर सर। कैसे आदमी हो यार तुम? एमपी सर। क्या एमपी का? माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी सर। चलो तुम्हारी नौकरी पक्की हुई है। एमपी सर। अब क्या एमपी? माय परफॉर्मेंस सर। सर चूना कितना लगा रहा है? आजकल की दुनिया में सिर्फ पान वाला ही ऐसा ईमानदार आदमी है जो आपसे पूछ के चूना लगाता है, वरना सारी दुनिया तो आपको बिना पूछे चूना लगा जाती है।